नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से काफी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आप हमेशा अध्यात्म के बारे में बोलते हो, कुछ ऐसे विषयों के बारे में बोलो जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए विषय है। मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, हमें ये सब नहीं जानना। हमें जानना है तो कुछ ऐसी तकलीफों के बारे में जिसे हम रोज देखते हैं, जिसे हम रोज फेस करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बार बात कुछ ऐसी की जाए जो सभी के लिए समझना भी आसान होगा और सभी इस तकलीफ से कभी न कभी गुजरे होंगे या आज गुजर रहे होंगे या भविष्य में गुजरेंगे। विषय बहुत ही कॉमन विषय है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो ये घटना हर किसी के साथ घटी है, घटी हो सकती है या घट सकती है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसने मुझे धोखा दे दिया और अब मुझे जीने में कोई रस ही नहीं। ऐसा होता है रिलेशनशिप में, आपने किसी से दिलो जान से मोहब्बत की और सामने वाला व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया और अब आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, आपको जिंदगी जीने का मकसद ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो सवाल है ये काफी लोगों के जीवन में आता है और जीवन में वो इंसान बहुत ही निराश हो जाता है, उसको चारों ओर निराशा ही निराशा दिखती है। इस विषय पे आज मैं थोड़ी आपसे बात करता हूं। जब आप किसी से प्रेम करते हो निस्वार्थ भाव से, तब भी एक भाव उत्पन्न होता है प्रेम करने से, वो चाहे लड़का लड़की से करे या लड़की लड़के से करे। हमें ऐसा लगने लगता है जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मेरी है या वो मेरा है। ये जो मेरा का भाव प्रेम में उत्पन्न होता है, यही से सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। आप मेरा नॉन लिविंग थिंग्स को ही कह सकते हो, लिविंग थिंग्स को आप मेरा नहीं कह सकते हो। उदाहरण के तौर पे, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, मोबाइल मेरा है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आप नॉन लिविंग थिंग्स के मालिक बन सकते हो, बट आप किसी की आत्मा के, किसी के अस्तित्व के मालिक नहीं बन सकते हो। जब भी आप किसी से प्रेम करते हो तब आप ये समझते हो कि मैं इसका मालिक बन गया हूं और अपनी मालिकियत के हिसाब से आप उस पर अपना हक जमाना शुरू कर देते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर आप मालिकियत जमा सकते हो, कर सकते हो, लिविंग थिंग्स के ऊपर आप नहीं कर सकते हो। लिविंग थिंग्स, कोई भी इंसान आपका असेट्स नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी जायदाद नहीं है, आपके अलावा भी उसका कोई अस्तित्व है। इसे आप पहले समझ ले जब भी आप किसी से प्रेम करें। इसी मालकियत की वजह से आप हमेशा उस इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी गलती हो जाती है कि वो वही करे जो मुझे अच्छा लगे, वो मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से पिए, जो कुछ भी वो अपने जीवन में करे वो सारे मेरे हिसाब से, मेरे कंफर्ट के हिसाब से करे। हम कभी ये नहीं करते कि उसके हिसाब से अपने आप को बदले। रिश्तों में अगर दूसरों को मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन रिश्तों के लिए अगर खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो वो अटूट बंधन में हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। लेकिन हम अपने आप में बदलाव लाने की बजाय दूसरों में बदलाव ज्यादा चाहते हैं, तो वो भी हम हमारे हिसाब से बदलाव चाहते हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत मालकियत की वजह से, ओनरशिप की वजह से, ये दो प्रॉब्लम जो है बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो सच्चा प्रेम होता है वो यही होता है ना कि सामने वाले की खुशी में मेरी खुशी हो, सामने वाले का दुख मेरा दुख हो, सामने वाले की खुशी मेरी खुशी, उसका दुख मेरा दुख, ये भाव होना चाहिए। मुझे कुछ उससे मिले तो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तभी घट सकता है जब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यही भाव मेरे में पैदा होंगे तभी प्रेम जैसी सुखद घटना घट सकती है।
लेकिन हम हमेशा देने की बजाय लेने में ज्यादा तत्पर है। सामने वाले की खुशी के बजाय अपनी खुशी में हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, रुचि रखते हैं। अगर प्रेम को समझे तो प्रेम का अर्थ यह होता है कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी को पहचानना, अपनी खुशी समझना। अगर वो लड़की या वो लड़का आपको छोड़ के चला भी गया है, जो आपसे बहुत प्यार करती थी या करता था, तो प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हो कि मैं उससे बहुत प्रेम करता था, तो आप ये तो नहीं कह रहे हो कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करता था या करती थी। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे उतना प्रेम नहीं करता था या करती थी जितना कि आप उससे प्रेम करते थे, बराबर है? तो जब आप उस पर अपनी अधिकार जमाते हो, मालकियत जमाते हो, तो उसको आपसे एक बंधन पैदा हो जाता है। जब आप उसको मेरा कहते हो तो उससे बंधन पैदा हो जाता है, और उस बंधन की वजह से ही उसे आपसे मुक्ति चाहिए, ऐसे भाव उसमें आते हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना पसंद करता है। आप इस बात को थोड़ा समझे, बंधन की वजह से उसे आपसे छुटकारा चाहिए होता है। तो जो प्रेम उसके दिल में पैदा होता है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह यही है कि बंधन है। तो अगर उसको आपसे प्रेम नहीं है इसीलिए, या कम हो गया इसीलिए उसने किसी और से प्रेम कर लिया, और किसी और से प्रेम कर लिया है, तो उसमें उसकी खुशी है। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि उसकी उस खुशी में भी, जिसमें वो आपसे नहीं बल्कि किसी और से प्रेम कर रहा है, तो उसमें आपको भी अपनी खुशी महसूस होनी चाहिए। सच्चा प्यार तो यही कहता है, आप समझे? लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम दुखी हो जाते हैं। हम उसको किसी और से प्यार हो जाने पर भी हम दुखी हो जाते हैं, हम उस पर मालकियत करना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं सब वजहों से एक बंधन पैदा हो जाता है, और बंधन में कोई भी आत्मा नहीं रहना पसंद करेगी। एक तोते को भी अगर आप पिंजरे में रखोगे तो वो भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता, आप समझिए इस बात को। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने आजादी के हिसाब से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसे आजादी दे, उसे स्वतंत्रता दे, सोचने की, जाने की, आने की, घूमने की, फिरने की। उसे जितना बंधन में बांधेंगे, मालिकियत के बंधन में, तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया निचले स्तर का प्रेम, कि मैंने उसे सिर्फ प्रेम दिया तो उसने मुझे धोखा दिया। अब आध्यात्मिक लेवल के प्रेम की बात करते हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक मिनिस्टरों की अक्सर आदत होती है कि वो कभी जेल में चले जाते हैं कैदियों से मिलने के लिए, कभी किसी पागलखाने में चले जाते हैं किसी को मिलने के लिए, स्पेशल विजिट के लिए। तो ऐसे ही एक बड़े पॉलिटिशियन थे, वो चले गए एक दिन पागलखाने में सभी पागलों से मिलने के लिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अब जो बात कर रहा हूँ, इस दोनों प्रेम के ऊपर की बात कर रहा हूँ कि आपको किससे प्रेम करना चाहिए। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, पागलखाने विजिट के लिए चला जाता है तो साथ में पागलखाने के जो सुपरिंटेंडेंट रहते हैं उनके साथ में रहते हैं, तो देखते हैं पॉलिटिशियन की एक पागल सामने बैठा हुआ एक तस्वीर को देख देख के रो रहा है, तस्वीर को देख देख के रो रहा है, तस्वीर को चूम रहा है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तो मिनिस्टर उस सुपरिंटेंडेंट से ये पूछते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों उस तस्वीर को देख देख के इतना रो रहा है, ऐसी इसे क्या तकलीफ होगी, क्या पीड़ा होगी इसे। तो सुपरिंटेंडेंट उस पॉलिटिशियन से कहते हैं कि सर, ये जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की ने इसे धोखा दे दिया। जिस दिन से इस लड़की ने इसे धोखा दे दिया, तब से ये व्यक्ति पूरा का पूरा ही पागल हो गया। उस लड़की को देखते रहता है, उसकी तस्वीर को देखते रहता है, उसे चूमता रहता है और पागलों की तरह चिल्लाता और चीखता है। इसकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है, इसलिए इसे पागलखाने में लाके भर्ती करना पड़ा। ठीक है, मिनिस्टर थोड़ा आगे चलता है तो वहां एक और पागल बैठा है जो सिर फोड़े जा रहा है, अपना चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जबरदस्त सिर फोड़ रहा है, किसी की सुनने पर भी वो सुनने को तैयार नहीं है, सिर फोड़े ही जा रहा है। मिनिस्टर फिर पूछता है सुपरिंटेंडेंट से कि सुपरिंटेंडेंट बताओ कि इसे क्या तकलीफ है, ये क्यों इतना परेशान है, चिल्ला रहा है, हैरान है, सिर फोड़े जा रहा है, अपना क्या तकलीफ है इसे। तो सुपरिंटेंडेंट कहता है, इसने एक लड़की से शादी कर ली, इसके लिए ये पागल हो गया। सुपरिंटेंडेंट कहता है कि इसने एक लड़की से शादी कर ली, इसके लिए पागल हो गया। तो पॉलिटिशियन पूछते कि भाई
लड़की से शादी करके पागल हो गया। एक आदमी जो है जिसकी शादी नहीं हुई, उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया तो वो पागल हो गया, और दूसरा पागल है जिसकी शादी हो गई तो ये पागल हो गया। तो सुपरिटेंडेंट कहता है, साहब जिस लड़की ने उसको धोखा दिया था उसी लड़की से इसने शादी की है। आप इस बात को समझे, जिस लड़की ने उस पहले पागल को धोखा दिया था उसी लड़की से इसने शादी की और ये पागल हो गया है। तो कहने का मतलब, आपको लगता है कि जिस लड़की ने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और उस लड़की के साथ जिसने शादी की है वो बहुत सुखी हो गया है, तो ऐसा होता ही नहीं। जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी को खुश कर ही नहीं सकता है। मन हमारा बड़ा ही चंचल होता है, जब तक हमें कोई चीज मिलती नहीं है तब तक हमें उसे पाने की जबरदस्त चाहत रहती है, जबरदस्त वो क्रेजीनेस रहता है। जैसे ही जिस क्षण वो चीज वो आपको मिल जाती है, आपका मन तुरंत ही बदल जाता है। कभी आप इस बात को सोचे कि जिस लड़की ने या लड़के ने आपको ठुकराया और किसी और से शादी कर ली, जिससे शादी की उससे जाके पूछिए कि क्या वो खुश है। उसकी खुशी भी 2-4 महीने 6 महीने के लिए होती है, बाद में वो इंसान भी दुखी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो किसी भी रिलेशनशिप में 100% खुश हो। चढ़ाव उतार होते ही है, दुख आते ही है, और रिश्ते जितने भी इस दुनिया में है वो दुख ही देते हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप इस दोनों सिचुएशन में मत जाइए। ये दोनों सिचुएशन जो है प्रेम की, वो बहुत ही निचली सिचुएशन है कि लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, मैं पागल हो गया, अब मुझे ये मिल गई तो भी मैं पागल हो गया। आपको कोई बाहरी व्यक्ति सुख दे ही नहीं सकता। सुख आपका भीतरी स्वभाव है, सुख आपके हृदय का भीतरी स्वभाव है, और दुख आपको जो मिलता है वो बाहर से आप मोल लेते हो। दुख आपका भीतरी स्वभाव नहीं है। ईश्वर ने आपको, परमात्मा ने आपको सुख देने के लिए ही बनाया है, पर आप चिंताओं से, दूसरी परेशानियों से दुख को मोल ले लेते हो, उम्मीदों से मोल ले लेते हो, मालकियत से मोल लेते हो। तो इस सिचुएशन को समझे, इस छोटे मोटे प्रेम में ना पड़ के आप अगर ध्यान के माध्यम से स्वयं के साथ होके, स्वयं के साथ प्रेम में पड़ के, परमात्मा से अगर प्रेम में पड़ जाओगे तो वही प्रेम सुप्रीम प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम वही है जिसमें आपको दुख कभी मिलता ही नहीं है, दुख कभी मिल ही नहीं सकता। आप 2400 घंटे तीनों पहर सुख और सुख की ही अनुभूति करोगे, उससे बड़ा प्रेम जीवन में कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इन छोटे मोटे चीजों की वजह से आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। जिंदगी से आपका रस कम हो गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप ऐसा विचार भी ना करें, क्योंकि उस लड़की के या उस लड़की के जीवन में आने के पहले भी तो आप जीवित थे। कोई तो ऐसा रस था कि आप उसके बगैर भी जीवित थे। आज वो आ गई है, आज वो आपके जीवन में है, तो आपका रस बदल के उसमें हो गया है। जब आप उनको छोड़ के जा चुकी है तो फिर रस को पैदा किया जा सकता है। जैसे उस लड़की या लड़के के आने के पहले भी आपके जीवन में रस था, उस रस के बारे में सोचिए, फिर से जिंदगी में आपको जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। और अगर उससे भी ऊपर उठना है तो ध्यान में चले जाइए और परमात्मा से प्रेम में पड़ जाइए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो सदैव आपको 2400 घंटे खुशी खुशी और खुशी ही देगा। दोस्तों, छोटे से इस कॉन्वर्सेशन से, अपने विचारों से आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, आध्यात्म से प्रेम को जोड़ने की कोशिश की है, और आध्यात्म ही सबसे बड़ा प्रेम होता है ये आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ढेर सारे लाइक कमेंट और शेयर बनते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब कर ली है तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस जो भी मैं नए अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।